Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today's class is about friction and here we will discuss some of the important and interesting facts about friction. So please subscribe this channel and also press bell icon to get latest uploads. Also like and share it if you like my teaching style as well as content. So let's get started. So first we will discuss what is friction. What is friction? Here it is, definition of friction. Basically it is an interaction between two surfaces. जैसे देखो मैं मार्कर से लिख रही हूँ, ठीक है, अगर इस बोर्ड और मार्क के बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन है इसीलिए मैं लिख रही हूँ ना, नहीं तो वो स्लाइड ही हो जाए. ठीक है, देखो इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस. इट इज अ फोर्स दैट opposes motion. ठीक है, कोई एक, जैसे हम resistance पढ़ते हैं ना, ठीक है, resistance basically क्या है, वो एक opposition है. इसी में क्या है, motion की मतलब जो obstacle है वो क्या है, friction है. ठीक है, अगर कोई भी दो चीज़ों में friction ना हो तो वो रुक नहीं सकती. ठीक है, first of all तो देखो इसके example से clear होगा आपको. Examples हम क्या लिखते हैं, we can write with pen on a paper. ठीक है, अगर पेपर और पेन के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, ठीक है, मिनिमम है लेकिन है तो सही ना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर बोलेंगे. ठीक है, एक और एग्जांपल बताती हूँ. जब टीचर क्या है, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, टीचर कैन write on blackboards. ठीक है, कैसे लिखते हैं, देखो अगर बोर्ड और चौक के बीच में, ठीक है, कोई ना कोई फ्रिक्शन है इसलिए वो लिखा जाता है. आपको, आपने देखा होगा कि जब चौक से हम लिखते हैं तो चौक के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो क्या है, बोर्ड के साथ स्टिक होए रहते हैं. ठीक है, स्टिक होकर रहते हैं तो क्या है, वो पार्टिकल्स और बोर्ड के बीच में अगर थोड़ी बहुत फ्रिक्शन है इसलिए वो उस पर स्टिक रह गए ना. ठीक है, नहीं तो हम जब रब करते हैं तो वो सारा ही रब हो जाए, ऐसे नहीं होता. ठीक है, बोर्ड और चौक के बीच में मिनिमम फ्रिक्शन रहता है जिसकी वजह से क्या है, हम राइट कर सकते हैं ऑन बोर्ड्स. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. तो थर्ड एग्जांपल देखो, व्हीकल्स मूव करते हैं. ठीक है, व्हीकल्स कैन इजीली मूव ऑन रोड्स. ठीक है, अगर रोड और टायर के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है इसलिए वो रोल कर रहे हैं ना. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या आगे डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. इस टाइप को फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. ठीक है, अगर टायर और रोड के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन ना हो तो जो है वो स्लाइड ही करता चला जाए, तो हम ब्रेक ही नहीं लगा सकेंगे. ठीक है, तो अगर व्हीकल्स मूव कर रहे हैं रोड्स पर किसकी वजह से, इस इनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, रगड़ एग्जिस्ट करती है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस कौन कौन सी होती हैं. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी फर्स्ट टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का बेसिक मतलब क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है.
ठीक है, नॉट इन मोशन, मोशन पे नहीं है वो, कौन सी पोजीशन है उसकी, रेस्ट पोजीशन है एट दैट टाइम जब हम फ्रिक्शन उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पहले डेफिनेशन देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस व्हेन दे आर नॉट इन मोशन। ठीक है, मोशन में नहीं है तो वो किस पोजीशन में, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, जब हम देखो टेबल लैंप है, कोई भी सपोज करो टेबल है, टेबल के ऊपर लैंप पड़ा हुआ है, ठीक है, जस्ट वो रेस्ट पोजीशन में है, हम उसे मूव तो नहीं ना कर रहे, स्लाइड तो नहीं कर रहे, जस्ट वो पड़ा है। अगर वो टेबल पे पड़ा है तो किसकी वजह से पड़ा है, फ्रिक्शन की वजह से पड़ा ना। ठीक है, कोई ना कोई एक जो मोशन मतलब फोर्स है उनके बीच में है, टेबल और लैंप के बीच में, इसकी वजह से ही वो टेबल पे पड़ा रहता ना, नहीं तो टेबल और लैंप के बीच में गैप पड़ जाए, जैसे यहाँ पे टेबल और यहाँ पे लैंप है, ठीक है, वो उसके साथ में पड़ा हुआ है, उसके सरफेस पे पड़ा हुआ है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, जैसे ही हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, रबिंग ऑफ हैंड्स, हम कोई मोशन तो नहीं कर रहे ना हमारे हैंड्स, जस्ट उसके बीच में हम फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जो मतलब हमारे हैंड्स हैं वो मोशन रेस्ट पोजीशन पे ही हैं, ठीक है, हम जस्ट उसको क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय रबिंग। ठीक है, ये तो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो सेकेंड वाली क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकेंड टाइप क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड करना बेसिकली क्या होता है, आप स्विंग्स लेने जाते हो, ठीक है, वो एक स्विंग होता है ना, यहाँ से यहाँ पर क्या है, उसके लैडर लगी होती है, सपोज करो ये लैडर है, ठीक है, यहाँ पर उसका जो स्लाइडिंग वाला पोर्शन है वो बना होता है। ठीक है, जब हम क्या है, यहाँ यहाँ से स्टेप्स चढ़कर यहाँ से जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर स्लाइड करते हैं, ठीक है, उनके बीच में, दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो क्रिएट होती है। ठीक है, मतलब क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ी सी क्रिएट होती है, अगर ज़्यादा हो तो वो एकदम ही नीचे आ जाए, लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे नीचे करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो इसकी क्या है डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बेसिकली फ्रिक्शन को बोला है, द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड between any two objects when they are sliding against each other। ठीक है, कोई भी एक सरफेस है उसके ऊपर में दूसरा सरफेस स्लाइड कर रहा है, जैसे देखो हम ब्लॉक और फ्लोर की एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास कोई भी फ्लोर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी ब्लॉक है सपोज करो, ठीक है, ये फ्लोर है ना, ये ऐसे है, थोड़ा सा सीधा नहीं है, ऐसे है, ठीक है, जो ये बॉक्स है हमें इसको फ्लोर के ऊपर स्लाइड करवाना है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत जैसे जैसे उसकी फ्रिक्शन है, जिस कॉफिशेंट से उसकी फ्रिक्शन है, मतलब जितनी उसकी एबिलिटी है, उसके हिसाब से जो बॉक्स है वो क्या करेगा, फ्लोर के ऊपर स्लाइड करेगा। अब क्या हो गया, स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, मतलब एक सरफेस तो ये हो गया, दूसरा सरफेस ये बॉक्स वाला सरफेस हो गया। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखो, एक तो यही होगी स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक अक्रॉस द फ्लोर, ठीक है, एक देखो राइटिंग विद लेड पेंसिल, राइटिंग विद लेड पेंसिल, पेंसिल की जो निब होती है, ठीक है, लेड की बनी होती है, लेड में क्या हो, क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो स्लाइडिंग पावर है, स्लाइडिंग पावर होती है इसकी लेड की, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है,
इसकी वजह से क्या है, वो जो पेंसिल है हम जब ऐसे कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं उसकी थोड़ी थोड़ी फ्रिक्शन जो है पेपर के बीच में बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या है हम राइट कर सकते हैं। अगर देखो उसके बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन हो तो हम क्या है वर्ड कंप्लीट ना हो और अपना हमारी पेंसिल आगे चली जाए, ठीक है। उसके बीच में मिनिमम फ्रिक्शन रहता है, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन से हम डिफाइन करते हैं कि कितना फ्रिक्शन हमें चाहिए एक सरफेस या फिर एक कोई भी बॉडी है उसको, मतलब उसके दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने का एक कॉफिशेंट होता है, उसकी एबिलिटी होती है। नेक्स्ट वाली फ्रिक्शन देखो, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें हम सिलेंडर की एग्जांपल लेंगे, सिलेंडर होता है ना, ठीक है, इसकी लेंगे। पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें आपने एक की पॉइंट है इसका, इट इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। सारी फ्रिक्शन से वीक फोर्स होती है रोलिंग फ्रिक्शन। देखो कैसे अब हम डिफाइन करते हैं, कोई भी एक फ्लोर है, ठीक है, आपके पास कोई भी प्लेन सरफेस है सपोज करो, इसके ऊपर आपने सिलेंडर को मूव करवाना है, रोल करवाना है मतलब, ठीक है। हम सिलेंडर को यहाँ से मूव करवाएंगे, थोड़ी सी हम इसे फोर्स देंगे, सपोज करो हमने यहाँ से इसको फोर्स प्रोड्यूस कर दी, ये जो सिलेंडर है विदाउट एनी इंटरप्शन यहाँ तक भी इसको कोई भी ऑपोजिशन नहीं मिलेगी, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगी, तो ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें जो ब्रेकिंग फोर्स है, जितना टाइम इसकी ब्रेकिंग फोर्स हम नहीं अप्लाई करते, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स नहीं अप्लाई होती तब तक क्या ये रोल करता जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वीकेस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके एग्जांपल लिखो, रोलिंग ऑफ लॉग ऑन अ ग्राउंड, कुछ भी लिख लो, रोलिंग ऑफ सिलेंडर ऑन अ ग्राउंड, कुछ भी है ना लिख सकते हो, कोई भी जो है वो सिलेंड्रिकल चीज होनी चाहिए, स्फेरिकल। सेकंड क्या है, व्हील्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, कोई भी है राउंड चीज होनी चाहिए, जब हम कोई भी सरफेस पे उसे मूव करवाएंगे जब तक ऑब्स्टेकल नहीं आ जाती तब तक ये मूव करते जाएंगे, ठीक है। ये क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन होगी। हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेंगे एट द एंड ऑफ वीडियो। सो फोर्थ वाली फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड बेसिकली क्या होता है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म ऑफ, देखो दैट फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड व्हेन दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। देखो पेन है हमारे पास, ठीक है, पेन है कोई भी, उसके बीच में इंक भरी होती है, बेसिकली हम पायलट पेन के एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा। पायलट पेन वाली जो एग्जांपल है वो देखो कैसे है कि इसमें पेन में जो इंक होती है लिक्विड फॉर्म में है, मतलब उसे हम क्या बोल देंगे, फ्लूइड बोल देंगे, ठीक है, फ्लो कर रही है ना, अगर वो इंक फ्लो करेगी इसी वजह से तो हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी फ्लो जितना, मतलब वो फ्लो कर रही है और जो इंक है उसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है जिसकी वजह से वो मूव कर रही है, मूव करके हमारे को निब के आगे दे रही है, तो इसकी एग्जांपल लिखो, फ्लो ऑफ इंक
इन पैंस एंड इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है स्विमिंग. देखो स्विमिंग कैसे है, स्विमिंग करते वक्त जो पानी है ये वाटर है, ठीक है. अगर कोई पर्सन आगे मूव होता है, ठीक है, तो थोड़ी सी उसकी जो फोर्स है वो बैकवर्ड भी लगती है, ठीक है. किसकी वजह से, वो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है लेयर्स ऑफ फ्लूइड के बीच में, ठीक है. इसी वजह से तो स्विम कर सकता है, अगर वो पानी पैरों से पीछे गिरा रहा है उतना ही वो आगे मूव कर रहा है ना, ठीक है. बेसिकली क्या होगी, ओपोजिशन होगी फोर्स और मोशन के बीच में. अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, फर्स्ट तो हम ड्रैग किसे बोलते हैं. ड्रैग बेसिकली क्या होता है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स. जो हम पेन और इंक वाली एग्जांपल ली है ना, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, ड्रैग बोलेंगे, ठीक है. ड्रॉप एंड ड्रैग आपने पढ़ा भी होगा. आगे देखो बॉल बेयरिंग्स क्या होते हैं, बेसिकली ये व्हीकल्स के व्हील्स में यूज होते हैं. बॉल बेयरिंग्स क्या चीज होती है, मेटल बॉल्स पुट बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन टू मेक देम मूव स्मूथली. मतलब क्या है, बॉल बेयरिंग्स क्या चीज है, दो पार्ट्स हैं मशीन के कोई भी, ठीक है, व्हील के कोई भी पार्ट्स हैं, आउटर और इनर बेसिकली वो होती है उसकी सरफेस है जो, उसके बीच में इंसर्ट किए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि ये इसलिए होते हैं कि उस दो बेसिकली दो सर्फेसेस में जो रबिंग है वो कम से कम हो. देखो रबिंग होने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, अगर रबिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, दो पार्ट्स के बीच में, उस उतनी उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी. अगर एफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो हमें जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी. इसलिए हम क्या बॉल बेयरिंग्स को इंसर्ट कर देते हैं दो पार्ट्स के बीच में, ठीक है. नेक्स्ट वाला देखो लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स क्या चीज होती है, द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है. रिड्यूस फ्रिक्शन कैसे होगी, देखो कई बार हम बोल देते हैं कि जो व्हील्स हैं उनको ऑयलिंग की ज़रूरत है, उसको ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है. जब हम इसको ऑयलिंग कर देते हैं तो उसकी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मतलब जो रबिंग है वो कम हो जाएगी, ठीक है. कम होगी तो उसकी जो मतलब एफिशिएंसी है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं. ल्यूब्रिकेशन ज़रूरी है व्हील्स को बेसिकली, ठीक है. या कोई भी दो मतलब सर्फेसेस हैं, अगर उसकी रबिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हमें ल्यूब्रिकेट करना पड़ता है. ल्यूब्रिकेट किस किस से कर सकते हैं, कई बार ज़्यादातर ऑयलिंग में होती है. ऑयल अगर किसी मशीन में नहीं यूज़ होता तो उसमें एयर की हेल्प से भी जो ल्यूब्रिकेशन की जाती है. देखो इंटरलॉकिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरलॉक टाइल्स हम लगाते हैं ना, ठीक है. वो टाइल्स बेसिकली कैसे लगाते हैं, एक दूसरे के बीच में वो इंटरलॉक हो जाती हैं. आप अपने घर में एग्जांपल इसकी देख सकते हो. इंटरलॉकिंग देखो ओवरलैपिंग ही होगी ना, जब हम एक टाइल लगा के दूसरी को उसके बीच में फिट हो जाती है, ठीक है. ओवरलैपिंग ऑफ टू पार्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरलॉकिंग. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. And also if you have any problem and any doubt in this section, you can definitely ask me and I will help you. So thank you very much. Stay home, stay healthy.